अब अगर कनेक्टिविटी को देखें तो चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। रेल कनेक्टिविटी भी इस साल फरवरी महीने तक कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। इनलैंड कंटेनर डिपो हो या बाकी चीज़ें हों, ये भी वहाँ बन रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, अगर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अपराध का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें भी जम्मू कश्मीर देश में सबसे कम है। बिजली का रेट देश के किसी राज्य से सबसे सस्ती बिजली हम उद्योगों को दे रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या जो भी चीज़ें हैं, मैं कह रहा हूँ कि प्रयास पिछले 3 वर्षों में काफ़ी हुआ है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देश के अन्य राज्यों की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। सभी 20 जनपदों को एक्सपोर्ट हब के रूप में कैसे विकसित किया जा सके, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमारी प्राथमिकता है। ये सच है कि विशाल प्राकृतिक साधन और हमारी 65% वर्कफोर्स ये नौजवान हैं। टूरिज्म का जिक्र हुआ, मेरे पहले बोहरा साहब ने, कोहली साहब ने कहा कि 1,88,00,000 लोग आए थे। मैं अब इस साल का आंकड़ा बताता हूं कि जुलाई तक 1,27,00,000 लोग आ चुके हैं और ये संख्या इस बार 2.25 करोड़ के ऊपर जा रही है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं कि देश में सबसे बेहतर इंसेंटिव देने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप आइए, जम्मू कश्मीर में निवेश करिए। मोटे तौर पर 2 बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। कई लोग सवाल पूछते हैं कि क्या बदला है 4 सालों में। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जो स्ट्रीट वायलेंस, सड़क पर हिंसा होती थी, वो पूरी तरह समाप्त हो गई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आतंकवादी, अलगाववादी संगठन हो या हमारा पड़ोसी हो जो आतंकवाद का जनक है पाकिस्तान, लगभग 150 से ज़्यादा दिन ऐसे होते थे कि बंद कॉल की जाती थी, वहाँ से स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, ट्रेड बंद हो जाते थे। अब इतिहास की बात हो गई। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब वहाँ का नागरिक अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है, किसी के डिक्टेट के आधार पर अब जम्मू कश्मीर का आम नागरिक नहीं रहना है। और अंतिम बात करके अपनी बात खत्म करूँगा, अंधेरा हो इसके पहले लोग घर में जाने की कोशिश करते थे, अब श्रीनगर शहर में 10 बजे रेस्टोरेंट भी खुले हुए मिल जाएंगे, सिनेमा थिएटर भी आप देख सकते हैं और झेलम के किनारे गिटार लिए हुए नौजवान देर रात तक आइसक्रीम खाते हुए यूरोपियन शहरों की तरह गीत गाते हुए दिखेंगे। ये पिछले 4 वर्षों का परिवर्तन है। मैं गोयनका जी का, इनकी पूरी टीम का बहुत आभारी हूँ, मुझे आपने अवसर दिया। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए और आपको निमंत्रण देते हुए, आइए जम्मू कश्मीर। ये केवल सबसे खूबसूरत नहीं है, सबसे बेहतर जगह है इन्वेस्टमेंट की, सबसे ज्यादा इंसेंटिव है। मैं इतनी बात करके अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।